हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ सामाजिक अध्ययन का 60 प्रश्नों का सेट जो आप सॉल्व कर सकते हैं। चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम है, ये पहला प्रश्न है दोस्तों। तो आपको पता होगा मैकमोहन रेखा है चीन और भारत के मध्य, और जो यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है तथा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। तो दोस्तों आप ये याद रखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं किए हैं, नए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है? तो दोस्तों बी में 21A सही है। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति होती है। शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया? तो दोस्तों 42वें संशोधन, यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं 42वें संशोधन में। बोल्शेविक क्रांति के नायक थे, तो दोस्तों लेनिन को बोल्शेविक क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है। मांग और पूर्ति का संप्रत्यय संबंधित है, तो दोस्तों यह अर्थशास्त्र का टर्म है मांग और पूर्ति। उज्जैन नगरी बसी है, तो दोस्तों शिप्रा के किनारे उज्जैन नगरी बसी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा दलहन फसल नहीं? तो दोस्तों मखाना जो है वो दलहन फसल नहीं, मेवा में आता है। अजंता की गुफा स्थित है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में अजंता की गुफा स्थित है, औरंगाबाद जिले में अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये गुप्त शासकों के द्वारा 200 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व के मध्य की बनाई हुई हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया करने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब है पीवी नरसिम्हा राव को। मराठा शासक शिवाजी का जन्म हुआ था, तो दोस्तों 1627 में। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है समाज का अध्ययन, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन, समाज का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है समाज का अध्ययन जी। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है, तो दोस्तों राष्ट्र का निर्माता माना जाता है क्योंकि समाज से ही अच्छा राष्ट्र बनता है, जब अच्छा समाज होगा तो अच्छा राष्ट्र बनेगा। अगला जो प्रश्न है वो है समाज की प्रयोगशाला माना जाता है, तो दोस्तों समाज की प्रयोगशाला अर्थशास्त्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए? तो दोस्तों बी ऑप्शन, आप देखिए पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, यानी जो आपकी पाठ प्रस्तावना हो वह पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। तो शुरुआत जो है आपने माइक्रो टीचिंग के टर्म में पढ़ा होगा पाठ प्रस्तावना कौशल में, कि पाठ प्रस्तावना जो है वो आपकी छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, उन्हें उनके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने वाली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी, आप देख लीजिए, दिन रात का प्रत्यय समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने के लिए, स्थल जल का अनुपात बताने के लिए उपरोक्त सभी थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऑप्शन में ज़्यादातर उपरोक्त सभी होता है। निम्नलिखित में से कौन सही युग्म नहीं है? तो दोस्तों बॉक्साइड एल्यूमिनियम बिल्कुल सही है, अभ्रक विद्युत भी सही है, कोयला पेयजल बिल्कुल गलत है क्योंकि कोयला खनिज है और बलुआ पत्थर भवन निर्माण में आता है। तो दोस्तों कोयला ऊर्जा का साधन है या पेयजल नहीं है, तो यही युग्म जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वर्षण का रूप नहीं है? वर्षा, ओस, हिमपात, आंधी। तो दोस्तों आंधी जो है वो वायु का प्रवाह है, इसे वर्षा से कोई मतलब नहीं है, तो दोस्तों ये वर्षा का रूप नहीं है। बाकी ओस, हिमपात और आपका वर्षा जो है ये वर्षण का रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है? तो दोस्तों महासागर में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? तो दोस्तों ये सबसे विशाल है, बिल्कुल सही बात है, इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया, बिल्कुल सही है, यह लचीला है, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा डी। भारतीय सेना के तीन अंगों का प्रमुख होता है, तो आपको पता है तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। दोस्तों भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है, तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो केंद्र शासित प्रदेश है। प्रजातंत्र को जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा? तो ये अब्राहम लिंकन का है।
कि लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के लिए जनता के द्वारा, ये उनका नारा था। अगला प्रश्न है, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों काला पानी के नाम से सेलुलर जेल को जाना जाता है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंट को। सती प्रथा को समाप्त करने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय की, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में इन्होंने प्रस्ताव पारित करवाया था, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? तो दोस्तों जापान में भी गया, चीन में भी गया और कोरिया में भी, तो इसका मतलब ये सही ऑप्शन सही है। भारत में परमाणु परीक्षण किया गया? तो दोस्तों पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, आपको पता होना चाहिए ये। बिस्मिल्ला खां संबंधित थे? तो बहुत मशहूर शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां, तो डी ऑप्शन सही है, शहनाई वादन से। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो आपको पता है कि चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम पंडित विष्णु शर्मा चाणक्य था। नहीं, विष्णु शर्मा नहीं था, पंडित विष्णु चाणक्य। विष्णु शर्मा वो आपके पंचतंत्र वाले थे, ये पंडित विष्णु चाणक्य थे। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है? तो दोस्तों लेह। सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग है? तो दोस्तों इस्पात उद्योग। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश है? तो दोस्तों केरल को सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश माना गया है। कंप्यूटर से प्रश्न आ गया दोस्तों, सर्च इंजन क्या है? इंटरनेट खोजी, खोजी वाहन, खोजी मोटर, ये सभी। तो दोस्तों इंटरनेट खोजी, जो इंटरनेट पे सर्च करता हो वही सर्च इंजन है, जैसे आपका गूगल एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, ये सब इंटरनेट पे सर्च करते हैं। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, राजधानी में। कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक, ये बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखता है। 67वां जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक फसल नहीं है? तो दोस्तों मक्का व्यापारिक फसल नहीं है, मखाना, कपास और जूट व्यापारिक फसलें हैं। गरीब रथ क्या है? तो दोस्तों गरीब रथ यात्रा गाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, भूतपूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गरीबों के यातायात में होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए गरीब रथ यात्री गाड़ी की सेवा प्रारंभ की थी। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो दोस्तों खड़गपुर में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई लगभग 716 मीटर है। दोस्तों ये आप क्वेश्चन ज़रा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम भी आता है। भारत का सबसे, क्योंकि इसमें गोरखपुर ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसलिए ये चार में से खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में गोरखपुर नहीं दिया हुआ है, नहीं तो गोरखपुर इससे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है? तो दोस्तों पश्चिम क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो दोस्तों सागर, झील, नदी, तालाब भिन्न है, जी हाँ, इसका, क्योंकि ये इसका जल स्थिर होता है और ये आकार में इनसे सबसे छोटा भी होता है। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो दोस्तों हाजीपुर, ये आपको पता ही होगा। सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब है पुष्कर। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, पटना में, दानापुर में, जमुई में और गया में। दोस्तों सही जवाब है गया में, विष्णु पद मंदिर गया में स्थित है, ये बिहार में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है? तो दोस्तों पैमाने का अंतर होता है मानचित्र और स्केच में।
बिहार के लिए कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम कौन बनाता है? तो NCERT बनाती है दोस्तों, बिहार बोर्ड के लिए। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो दोस्तों बिहार राज्य जो है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो ये दोस्तों बिहार से संबंधित प्रश्न है, मैं इधर आ जा रहा हूँ। सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी पर, वाद विवाद पर, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पर, दैनिक समाचार पर। बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है? तो दोस्तों बाल संसद छात्रों को राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान देता है। सामाजिक विज्ञान के कुछ उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों राजनीति विज्ञान में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इतिहास, क्योंकि इतिहास में स्रोत विधि, इसके स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि पौराणिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, कौन से स्रोत हैं, तो ये इतिहासविद से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? तो दोस्तों समाचार पत्र दृश्य शिक्षण सामग्री है, देख करके इससे हम शिक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए, सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों को वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता के आधार माना जाता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है MP मफाद, बी ऑप्शन। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है? तो दोस्तों NCERT राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, ये सभी ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? तो दोस्तों सी, योजना विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। अंतिम प्रश्न है, सीरीज का इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों यह पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं, ए बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज़ में फिलहाल इतना ही, हम अगले फिर खंड में लेकर के आएंगे टेस्ट सीरीज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिन।